सो हीरे बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। एंड गाइस, जिन लोगों को अभी भी डाउट है कि ऐश अपनी जर्नी कंटिन्यू करने वाला है या नहीं, यानी कि कुछ लोगों को लगता है कि ऐश का जो मतलब जर्नी है वो यही पे एंड हो चुकी है एंड ऐश आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है गाइस, ऐसा नहीं होने वाला। बिकॉज एपिसोड 135 के अंदर ऐश ने खुद कहा कि वो अपने अगले जर्नी पे जाने वाला है एंड एपिसोड 136 के अंदर भी उसने वैसा ही कुछ कहा। अभी तक उसने कहा नहीं वो कहाँ पे जाने वाला है, लेकिन उसने कहा कि उसकी जर्नी कंटिन्यू रहने वाली है। तो मैं आपको एपिसोड 135 में जो कहा उसने वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद एपिसोड 136 के प्रीव्यू का भी वो उसने दिखाता हूँ जहाँ पे उसने वैसा कहा। तो सबसे पहले एपिसोड 135 में उसने क्या कहा आप देखिए। सो गाइज, देख सकते हो गाइज, उस दिन के अंदर ऐश सबसे पहले कहता है आई एम गोइंग ऑन अ जर्नी, अपने सब टाइटल्स पड़े होंगे एंड उसके बाद वो कहता है, यानी कि पिकाचू को अपने कंधे पे लेके कहता है आई विल बी गोइंग ऑन अनदर जर्नी विद पिकाचू, यानी कि मैं पिकाचू के साथ एक और जर्नी पे जाने वाला हूँ। यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि वो पहले रीजन जाएगा, बिकॉज गाइज अभी तक उसका कन्फर्म नहीं है, यानी कि ऐश ने सिर्फ यही सोचा है कि वो आगे भी जर्नी पे जाने वाला है, लेकिन गाइज उसे पता नहीं होगा। तो अगले एपिसोड के अंदर वो प्रोफेसर ओक के पास जाएगा एंड मे बी प्रोफेसर ओक उसे पहले रीजन के बारे में बताएंगे एंड उसके बाद वो पहले रीजन चला जाएगा, लेकिन इस वक्त तक गाइज उसे नहीं पता उसे कहा जाना है। उसने सिर्फ इतना सोचा है कि वो एक फिर से एक नई जर्नी पे जाएगा। तो एपिसोड 136 के अंदर उसे प्रोफेसर ओक बताएंगे या फिर वो खुद जो है मतलब ढूंढेगा एंड पहले रीजन चला जाएगा एंड एपिसोड 136 के प्रीव्यू के अंदर भी उसने यही चीज कही है जो कि आप देखिए। सो गाइस, ये प्रीव्यू का एक शॉट है जहाँ पे सब टाइटल्स देख सकते हो, जहाँ पे जो है ऐश कहता है आई वॉन्ट सी मोर ऑफ देम, यानी कि पोकेमोन की बात हो रही है, नो मोर अबाउट देम, मेक फ्रेंड्स विथ मोर ऑफ देम, यानी कि मैं और पोकेमोन से मिलना चाहता हूँ और पोकेमोन को देखना चाहता हूँ एंड और पोकेमोन्स को दोस्त बनाना चाहते हो। यहाँ पे पोकेमोन वर्ड नहीं लिखा, लेकिन ये आई वॉन्ट सी मोर ऑफ देम देम जो कहा है वो पोकेमोन्स को कहा है। तो ऐश कहता है मैं और पोकेमोन से मिलना चाहता हूँ, उनसे दोस्ती करना चाहता हूँ, उनके बारे में जानना चाहता। तो गाइज उसके लिए ऐश को जाना पड़ेगा न्यू जर्नी पे, जो कि मतलब यहाँ पे उनके कहने का मतलब है कि यार उसको अगर और पोकेमोन देखने तो उससे सिंपल से जाना पड़ेगा न्यू जर्नी के ऊपर। सो या आपको पता चल गया होगा। सो या गाइज, एंड अब तो मुझे लगता है आप में से बंदों को डाउट नहीं होगा कि ऐश सच में जाने वाला है नहीं, बिकॉज यहाँ पे तो कंफर्म हो चुका है कि ऐश जो है नई जर्नी पे जाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है कि वो पैल्डिया रीजन जाएगा या फिर कुछ कहीं और जाएगा। यानी कि गाइज यहाँ पे रीजन की बात नहीं हो रही, लेकिन पैल्डिया रीजन ही सबसे न्यू है, उसी के बारे में बात चल रही है, तो ऐश पैल्डिया रीजन ही जाएगा ऑफकोर्स, लेकिन अभी तक ऐश को पैल्डिया रीजन के बारे में भी पता नहीं है, लेकिन उसे प्रोफेसर ओक से पता चलेगा एंड उसके बाद वो गाइज पैल्डिया रीजन जाएगा। गो जाएगा या नहीं वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके क्वेश्चन है तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।